गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थिन सिलेंडर और स्फीयर्स के बारे में बताया था, इसकी थ्योरी और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिखाया था करके। अब आगे इसी पे बेस्ड और न्यूमेरिकल जो है कराएंगे आपको। अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ मैं, ए सिलेंड्रिकल थिन ड्रम 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल ड्रम जो है या सिलेंडर है उसका डायमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई एल की वैल्यू जो है वो 3 मीटर है। हैज़ ए शेल थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, थिकनेस उसकी जो है वो सिलेंडर की 1 सेंटीमीटर है जो मटेरियल है उसकी। इफ़ द ड्रम इज़ सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में इंटरनल प्रेशर जब दिया हुआ है तो हमें निकालना है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन दी लेंथ एंड चेंज इन दी वॉल्यूम। आपको दिया है ई यंग मॉडुलस की वैल्यू और एम की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एम क्या है का एक्चुअल में पॉइजन रेशियो जो है वो 1/m होता है, तो एम की वैल्यू दी हुई है 4। अब इसमें जो है आपका चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम, पिछले लेक्चर में हमने चेंज इन सरकमफ्रेंस, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम इन सब के बारे में बताया था और फार्मूले भी डिस्कस किए हुए थे हमने। ठीक है, तो इन सब में जो है हमें हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। हूप स्ट्रेस कैसे निकलता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकलता है, उसके क्या फार्मूले हैं, ये कल डिस्कस कर दिया था। तो अब इस प्रॉब्लम में हम हूप स्ट्रेस निकालेंगे जो कि F1 है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, F1 इज इक्वल टू PD/2T। P इंटरनल प्रेशर है जो कि 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्मॉल d डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है, अपॉन 2 × T, टी जो है वो थिकनेस ऑफ द शेल है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज रख दी तो हमारा हूप स्ट्रेस F1 की वैल्यू 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो PD/4T होता है, इट मींस हूप स्ट्रेस का हाफ। ठीक है, हूप स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का 2 गुना होता है। इसका मतलब F2 इज इक्वल टू F1/2। F1 हमने निकाल लिया है 1000, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई है। ठीक है, ये आपका 500 आ गई है। अब F1 F2 मालूम हो गया, अब आप क्या करिए, E1 और E2 की वैल्यू मालूम करना है हमें। E1 क्या है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, इसका फार्मूला है F1/E − F2/ME, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। F1 और F2 की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू रख दी और M की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, तो इसकी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो है वो आ गई 0.000435। ठीक है, चूंकि ये स्ट्रेन है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे E2 की वैल्यू जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये हो जाएगी आपकी F2/E − F1/ME। ठीक है, फिर हमने जो है F1, F2 और M और E की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू आ गई आपकी इसे कैलकुलेट करने के बाद 0.000125। अब ई वी क्या है, ये है आपका चेंज इन ये जो है वो आपका डेल्टा वी है, डेल्टा वी अपॉन वी। एक्चुअल में ये आ जाएगा आपका स्ट्रेन, ये तो E1 था आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन, E2 था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और EV जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है, EV जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है,
यहाँ पर हमने जो है वो E इज इक्वल टू टू ई वन प्लस ई टू लिखा है। एक्चुअल में ये E जो है वो E सफिक्स V होना चाहिए था, ठीक है। तो ये E सफिक्स V है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो E सफिक्स V इज इक्वल टू ई टू प्लस टू ई वन या टू ई वन प्लस ई टू निकाला था, आपको बताया था। वही फार्मूला, वही चीज़ जो है हम इसमें इसका यूज़ कर रहे हैं। ई वन हमने निकाल लिया है, ई टू निकाल लिया है, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमें ई वी मिल जाएगा। ई वी इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन आ गया। अब इंक्रीज इन डाया, इंक्रीज इन डाया या डायमीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई वन इंटू स्मॉल डी। ई वन आप निकाल चुके हैं, डी आपको मालूम है, ये वैल्यू रख के आपने इंक्रीज इन डाया, डायमीटर कितना चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर लग रहा है इसलिए डायमीटर में चेंज वाला डायमीटर बढ़ेगा, तो इसलिए वो चेंज पॉजिटिव होगा। 0.035 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हुआ है डायमीटर में। इसी तरह लेंथ में इंक्रीमेंट जो है वो डेल्टा एल इज इक्वल टू ई टू इंटू डेल्टा इंटू एल। ई टू जो है वो आपका ये है आपका ई टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वो था सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जिससे कि डाया का निकाला हमने, ठीक है। तो E2 टू इंटू एल, ई टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, L की वैल्यू 300 तीन मीटर है तो 300 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू 0.0375 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा V जो कि होगा ई वी इंटू वी, कैपिटल V जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है। ई वी हमने निकाल लिया है 0.001 इंटू वी की वैल्यू क्या है, वी जो है वो वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल, ठीक है। तो डी भी मालूम है, एल भी मालूम है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर में आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो कि पूछी गई हैं, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है जिसमें कि एक शेल की लंबाई दी हुई है, उसका डायमीटर दिया है और उसकी थिकनेस दी है, ठीक है। 325 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर डायमीटर है और 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है मटेरियल की। वो शेल या सिलेंडर, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका कि प्रेशर या इंटरनल प्रेशर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस इन कंडीशंस के लिए F1 और F2 की वैल्यू मालूम कर दी है आपको, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसके अलावा चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द शेल, इसमें कई चीज़ें पूछी हैं। वैसे तो चेंज इन डायमेंशन ऑफ द सेल के लिए, डायमेंशन की चेंज के लिए F1 F2 तो निकालना ही पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या पूछी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस E की वैल्यू दी है और 1/m दिया हुआ है। अब F1 जैसा पहले निकाला है उसी तरह से हम निकाल सकते हैं PD/2T करके, F2 इज इक्वल टू F1/2, ये भी निकल आएगा आपका, ठीक है। E1 भी आप निकाल लेंगे, F1/E-F2/ME, इसी तरह E2 निकाल लेंगे आप। चेंज इन डाया भी उसी तरह निकाल लेंगे, E1 इंटू ओरिजिनल डाया, चेंज इन लेंथ E2 इंटू ओरिजिनल लेंथ, और EV भी निकाल लेंगे, EV इज इक्वल टू E2 प्लस 2E1, ठीक है। E2 और E1 की वैल्यू हमको मालूम है, उससे जो है हमने EV निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब EV जब निकाल लिया तो इसको ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चेंज इन द कैपेसिटी मिल जाएगी, ओके। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, क्यू मैक्स, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, इसका भी फार्मूला पहले बताया था लास्ट लेक्चर में, कि ये हो जाएगा आपका F1 माइनस F2 बाई टू। F1 F2 दोनों निकाल लिया है तो यहाँ से हमारा Q
क्यूब एक्स भी आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपका जस्ट इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन बताया उसी से मिलता जलता है। इसमें एक चीज़ और है एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसमें एक वाटर मेन्स है, वाटर का पाइप है जो कि सप्लाई के लिए। ए वाटर मेन 80 सेंटीमीटर डायमीटर कंटेन्स वाटर एट ए प्रेशर हेड ऑफ 115 मीटर, ठीक है। वाटर का एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, जिसका कि डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। इसमें वाटर भरा हुआ है जिसकी वजह से जो प्रेशर हेड बन रहा है वो 115 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में इंटरनल प्रेशर न दे के इन्होंने प्रेशर हेड दे दिया है, थोड़ा सा ये चेंज है। हमें निकालना है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड, इसका मतलब स्मॉल टी की वैल्यू मालूम करनी है हमें, इफ़ एफ इज इक्वल टू 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी वाटर की दी हुई है और एफ दिया हुआ है। यहाँ पर एफ जो है वो एक्चुअल में क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है। एफ क्या होगा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। हमने लास्ट लेक्चर में जब थ्योरी के आखिर में बता रहे थे कि जो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एफ वन जो है, इट शेल नॉट एक्सीड द एफ फॉर द शेल टू बी सेफ। मतलब सिलेंडर अगर सेफ्टी के लिए, सिलेंडर की सेफ्टी के लिए उसकी जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है उससे ज़्यादा जो है हमारे जो स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब F इज इक्वल टू पी डी बाई टू टी, ये चीज़ इसमें लगेगी, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू पी डी अपॉन टू टी। इसमें P निकालना है हमें, क्योंकि P डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, स्मॉल d दिया हुआ है, F आपका 250 दिया हुआ है और T की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल पी कैसे निकालेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो पाइप में निकालने के लिए, क्योंकि वाटर प्रेशर हेड दिया हुआ है वाटर का, तो ये प्रेशर इंटेंसिटी पाइप में निकालने का फार्मूला जो है स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। वाटर हेड प्रेशर हेड के लिए स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच, जहाँ एच जो है वो प्रेशर हेड है 115 मीटर और स्मॉल डब्ल्यू जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इससे जो है हमारा इंटरनल प्रेशर, जो प्रेशर अंदर लग रहा है वो हमने निकाल लिया, प्रेशर हेड को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया वाटर की, ओके। जब ये स्मॉल पी निकल आया है तो हम थिकनेस भी निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू पी डी बाई टू टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें जो है एक्चुअल में स्लाइड चेंज नहीं की थी हमने, तो अभी तक आप को जो है वो हमने जो बता रहे थे उसमें दिखा नहीं पा रहे थे वो चीज़। एक्चुअल में क्या था, इस क्वेश्चन में प्रेशर इंटेंसिटी का जो फार्मूला है, प्रेशर इंटेंसिटी निकालने का, वो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच है, ठीक है। उसके बाद जो है अब आप देखिए, स्मॉल डब्ल्यू जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि 1000 है, और कैपिटल एच जो है वो प्रेशर हेड है, ठीक है। वाटर का प्रेशर हेड है जो कि 115 मीटर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्मॉल पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब हुआ क्या, 1000 इंटू 115 ये आपका केजी पर मीटर स्क्वायर में आ गया, क्योंकि डेंसिटी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में दी है और वाटर हेड जो है वो 115 मीटर में है, तो यहाँ पर प्रेशर आएगा केजी पर मीटर स्क्वायर में और हमें चाहिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसलिए हमने उसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया है। इसके लिए हमें 100 का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा है, ठीक है।
तो इस तरह से स्मॉल पी की वैल्यू मिल गई। अब पहले जैसे बताया हमने कि सेफ्टी के लिए सिलेंडर की जो हमें जो स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, एफ, एक्चुअल में ये एफ जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो हम फार्मूले में एफ इज इक्वल टू पी डी बाई टू टी ये रखेंगे। यहाँ पर पी निकाल लिया है हमने, डी दिया हुआ है, एफ 250 दिया हुआ है, टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से थिकनेस ऑफ द पाइप हमें मिल गई है जो कि 1.84 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 395, ये आपकी इसमें क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल शेल 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर इंटरनल डाया एंड 8 mm थिक इज फिल्ड विद ए फ्लूइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक सिलेंड्रिकल शेल है जो जिसकी लंबाई जो है वो 90 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू 90 सेंटीमीटर है, स्मॉल डी जो है 15 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस जो है वो शेल की 8 mm है। इसमें एक फ्लूड भरा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अच्छा, फिर क्या होता है, इफ़ एन एडिशनल 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ फ्लूड इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर। पहले से इसमें एक फ्लूड भरा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसके बाद क्या किया जाता है, इसमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्लूड और पंप कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूड ऑन द सिलेंडर एंड हुप स्ट्रेस इंड्यूस्ड। अच्छा साहब, अब यहाँ पर प्रेशर मालूम करना है हमें, ठीक है। प्रेशर मालूम करने के लिए हुप स्ट्रेस का क्या फार्मूला है, एफ वन इज इक्वल टू पी डी बाई टू टी। यहाँ पर पी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, मालूम करनी है, डी की वैल्यू मालूम है, टी की वैल्यू मालूम है और एफ वन हम निकाल ले रहे हैं पी के टर्म में, ठीक है, क्योंकि पी नहीं दिया है, पी इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 0.8, तो एफ वन की वैल्यू 9.375 पी आ गई, मतलब हुप स्ट्रेस पी के टर्म में हमने निकाल लिया। अब एफ वन की वैल्यू हमने पी के टर्म में निकाल ली, एफ टू की वैल्यू क्या होगी, एफ टू जो होगा वो एफ वन बाई टू होता है, ठीक है, हुप स्ट्रेस का आधा होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, एफ वन को 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4.6875 पी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एफ वन और एफ टू दोनों पी के टर्म में निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ई वन निकालेंगे, ई वन की वैल्यू भी हमें पी के टर्म में निकालनी है क्योंकि एफ वन एफ टू दोनों पी के टर्म में है, ई और एम दिया हुआ है तो वो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ई वन की वैल्यू पी के टर्म में मिल जाएगी। एक्चुअल में ई की वैल्यू भी हमने अभी यहाँ नहीं रखी है, वो बाद में रख देंगे। अभी जो है वो ई ये ई वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7.96875 पी अपॉन ई, ठीक है, ई की वैल्यू बाद में रख देंगे और ये पी के टर्म में ई वन की वैल्यू होगी। इसी तरह ई टू की वैल्यू भी पी के टर्म में हमने निकाल ली है। अब वॉल्यूम ई वी, ई वी इज इक्वल टू 2E1 प्लस ई टू, पहले भी हमने इस तरह क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर ई वी की वैल्यू भी 17.8125 पी अपॉन ई ये आपका निकल आया। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू ई वी इंटू वी, एक्चुअल में ई वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ई वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ई वी जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और लास्ट लेक्चर में हमने जैसे बताया था कि ई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, ई सफिक्स वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है।
डेल्टा वी अपॉन, डेल्टा वी अपॉन वी, जैसे ये आपका ई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, ओके ये है ठीक है। अब यहाँ से जो है अगर हम वी को उस साइड में ले जाएंगे ई ई की पावर ई सफिक्स वी के टर्म में साइड में, तो हो जाएगा आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई सफिक्स वी इंटू वी, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई वी इंटू वी। ई वी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो कि आपने निकाला है 17.8125 पी अपॉन ई, वो आप रख दीजिए। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि है आपका पाई बाई फोर 15 का स्क्वायर इंटू 90 क्या है? एल है और ये आपका डाया का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। और डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी ही एक्चुअल में जो वो एडिशनल फ्लूड हमने जो पंप किया है वो डेल्टा वी है, ठीक है। ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। पहले इसमें फ्लूड भरा हुआ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अब हमने एक्स्ट्रा फ्लूड डाल दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ा दिया है हमने, चेंज किया है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये वैल्यूज रखने से हमें जो है वो पी अपॉन ई की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ई की वैल्यू हमें पहले से मालूम है इसलिए हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब हमें पी की वैल्यू मालूम हो गई तो हम फिर हुप स्ट्रेस भी निकाल लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और आपकी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या जो भी और चीज़ें निकालनी है वो आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें F1 F2 को P के टर्म में निकाला, E1 E2 को P के टर्म में निकाला, E की पावर E सफिक्स V को भी P के टर्म में निकाला, फिर हमने डेल्टा V इज इक्वल टू ई वी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ये फार्मूला लगाया। और उससे हमें डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, जो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, जो कि हमने एडिशनल फ्लूड उसमें पंप किया है वही चेंज इन वॉल्यूम है। तो यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाल ली। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं ये इससे आपको जो है वो थिन सिलेंडर्स के बारे में पोजीशन क्लियर हो गई होगी, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है।